शारदा शर्मा और आप लिखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी की संभल सीट से लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो मुस्लिम से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। कई बार उनके बयानों पर विवाद भी हो जाता है। सपा सांसद इन दिनों एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह वो खुद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने सपा सांसद की सदन में तारीफ की है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सपा सांसद बर्क अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, वे खुलकर उनकी नीतियों का विरोध भी करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अब डॉक्टर बर्क की दिल खोलकर तारीफ की है। दरअसल इन दिनों संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है। मंगलवार गणेश चतुर्थी से पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश भी हो गया। विशेष सत्र के पहले दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने डॉक्टर बर्क का जिक्र किया और उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने जब सदन को संबोधित किया तो उन्होंने कहा, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बारे में बात करते हुए सदन के प्रति उनकी निष्ठा की तारीफ की और कहा, 93 साल की उम्र होते हुए भी सपा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इस सदन में बैठे हैं, सदन के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 93 साल के हैं और सदन के सबसे बुजुर्ग नेताओं में हैं। वे 5 बार सांसद हो चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। इस दौरान उन्होंने यूपी के संभल सीट से बड़ी जीत हासिल की थी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।